सर्वव्यापी हैं तो हम सबको कष्ट क्यों है, तकलीफ क्यों है? क्या भगवान को इतनी दया नहीं आती कि गरीबी कष्टदायक है या शारीरिक बीमारी, मानसिक चिंताएं, अनेक प्रकार का डर भय जो सताता है, ऐसा भगवान ने क्यों नहीं बनाया ये सब दिक्कतें ना हो? इसका एक उदाहरण है, जब छोटा बच्चा होता है, माता पिता की बड़ी इच्छा होती है कि घर में बच्चा आए, और माता पिता का पूरा प्रेम होता है जब बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे में ऐसी कोई क्षमता दिखाई नहीं पड़ती कि बच्चा चलता है, बोलता है, काम करे, ये सब कुछ नहीं दिखता। लेकिन हम ये नहीं कहते कि बच्चा बेवकूफ है। उसी स्थिति में समझिए कि माता पिता के अंदर का पूर्ण अंश हम लोगों के रूप में है और हम लोग उनके बच्चों के रूप में हैं। धीरे धीरे हम विकसित हो रहे हैं, एक दिन हम बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो अनुभव करेंगे कि जैसे माता पिता सक्षम है चलने में, फिरने में, बोलने में, काम करने में, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है और तरह तरह की प्रतिभाओं से संपन्न है, हम भी वैसे हो जाएंगे। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है, जैसे हम लोग शिकायत नहीं करते हैं कि बच्चे पैदा हुए तो बोल क्यों नहीं रहा है, ये चलता क्यों नहीं है, छोटा बच्चा ये कैसे ऐसे अपंग हो गया, उसे हम शिकायत नहीं करते क्योंकि पता है कि बच्चा बड़ा होगा और बहुत आगे जाएगा, उसका राष्ट्र का निर्माता कहते हैं, माता पिता की लाठी कहते हैं, सहारा कहते हैं। ऐसे हम लोग हैं, हम परमात्मा के संतान हैं, हम शिशु अवस्था में हैं, धीरे धीरे हमारी स्थिति बढ़ रही है, एक दिन हम वयस्क होंगे, जब वयस्क हो जाएंगे तो ये चीज़ जो हम कहते हैं ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। छोटे बच्चे भी परेशान होते हैं, जब गर्भ में होते हैं तो छटपटाते हैं क्योंकि मानव शरीर में आने के पहले बड़ी मुक्तावस्था होती है, वो बिना पैरों के चलते हैं, बिना हाथ के काम करते हैं, बिना आँख से देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं। जब इच्छा जगती है कि हम इस तरह से देखें जो देख रहे हैं, इस तरह से सुने, ऐसे स्वाद लें, गंध लें, इस तरह से पैर हो हम चलें, हाथ हो काम करें, जैसे इच्छा जागृत होती है हमारी सर्वव्यापकता सिमट आती है, फिर मानव रूप में आ जाते हैं जिसको शिशु अवस्था कहते हैं। और जब हम एक क्रिया योग ध्यान करते हैं तो एक प्रकार की खुराक है, जैसे सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और कानों से सुनते हैं, सुन करके, देख करके, स्वाद और गंध से, स्पर्श के माध्यम से, सोच कर, समझ कर, जैसे हम जीवन व्यतीत करते हैं, ये सब क्या है? जीवन व्यतीत करने का एक तरीका है। ऐसे जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो हमें एक ज्ञान होता है कि शरीर बदलने लगती है। जब शरीर बदलती है तो फिर होता क्या है, अगर हम पूरी तरह से भक्ति के साथ अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो अंदर में कन्फ्यूजन होता है, कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जब तक शरीर बदलेगी नहीं, इस शरीर से हम जो दुनिया के बारे में जानते हैं वो अधूरा है, कान से सुनने की क्रिया सीमित है, आँखों से देखने की क्रिया सीमित है, स्वाद की क्रिया सीमित है, गंध भी सीमित है, हम सीमित भाव में इस ब्रह्मांड की अनुभूति करते हैं। ब्रह्मांड का स्वरूप है क्या? असीम। तो शरीर ये बदलना चाहता है तो क्रिया योग ध्यान से शरीर बदलने लगती है, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा, लीवर, हार्ट, किडनी, ये सब बदलने लगता है। जैसे जैसे बदलता है ये दुनिया कुछ और दिखाई पड़ती है, बदलते बदलते ऐसे स्वरूप में आ जाता है कि सच की अनुभूति होती है। सच क्या है कि परमात्मा ही सभी रूपों में है।
चाहे कोई ज्ञानी हो अज्ञानी हो, परमात्मा दोनों रूपों में विद्यमान है, यह समझ में आता है। इसको कैसे और आसानी से समझें, आप लीजिए सोना, गोल्ड, सोने की पतली पतली चीज़ें बनाइए, खूब पतली, जिसको यूँ तोड़िए तो टूट जाए, यूँ मसलिए तो टूट जाए। वही सोने की छड़ी बनाइए, छड़ी को तोड़ेंगे नहीं टूटेगी। सोना का मोटा रूप लीजिए, उसको तोड़िए बहुत कठिनाई होगी, लेकिन सोना को जब हम दबाते हैं, पीट पीट करके पिचका करके पतला करते हैं, तो उसको हाथों से मसल दीजिए, टूट जाएगा वो। तो चाहे कोई व्यक्ति ऐसा हो, इतना कमजोर हो, हाथों से मसल दीजिए टूट जाए, या इतना मजबूत हो जैसे कृष्ण भगवान थे, दोनों रूप में ही परमात्मा विद्यमान है। जिसे हम कमजोर व्यक्ति कहते हैं, जिसे परम ताकतवान बहुत शक्तिशाली व्यक्ति कहते हैं, जो अज्ञानी और ज्ञानी है, परमात्मा सब रूपों में है। चाहे सोने को एक पतले आकार में दीजिए कि यो उंगली से दबाइए टूटता जाए, या सोने की छड़ी बनाइए, दोनों की कीमत बराबर है। जब ये समझ में आ जाता है तब हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कहते, ये छोटा है बड़ा है, ये भाव खत्म हो जाता है। कोई बहुत काम करता है, कोई नहीं करता है, जो नहीं करता है, जो बहुत करता है, उसके प्रति घृणा का भाव खत्म हो जाता है। हम एक की प्रशंसा करें, एक की निंदा करें, ये नहीं होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि शरीर रूपांतरित हो। चलो शरीर रूपांतरित नहीं हो पा रही है, क्या तब सच की अनुभूति संभव है? हाँ संभव है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, उनके शरीर रूपांतरित नहीं हुई, लेकिन जब ईश्वर की अनुभूति में होते थे तो शरीर के भाव से मुक्त हो जाते थे। तो ध्यान की क्रिया में ऐसी भी क्रियाएं हैं कि आप अभ्यास करिए तो शरीर का बोध नहीं होगा, ये हल्का है कि भारी है, कि गर्मी है, कि सर्दी है, कड़ापन ढीलापन, ये अनुभव नहीं होगा। हम किसी और अनुभूति में होते हैं, उस अनुभूति में आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो शारीरिक अनुभूति है, इसको बहुत दिनों तक हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, शरीर छूट सकती है। जैसे स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की उम्र में चले गए, आदि शंकराचार्य 32 वर्ष में, और रामकृष्ण परमहंस भी जल्दी ही चले गए। ऐसे लोग जल्दी चले गए, लेकिन अगर ये सेवा करने की इच्छा है, पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनकी सेवा करनी है, तो बहुत आवश्यक है कि ये रूप बना रहे। इसलिए उन लोगों के लिए क्रियायोग की बड़ी आवश्यकता है जो माता पिता की सेवा करना चाहते हो, परिवार वालों की सेवा करना चाहते हो, जो दुनिया की सेवा करना चाहते हो, उसके लिए अभ्यास करते जाइए, शरीर बदलती जाती है। जैसे जैसे शरीर बदलती जाएगी वैसे वैसे सुख और शांति बढ़ती जाएगी। बदलने की क्रिया बहुत तेजी से जब होती है तो कन्फ्यूजन होता है, हम सह नहीं पाते हैं, उसमें क्या होगा, पसीना होगा, पूरे शरीर में अजीब अजीब क्रियाएं होंगी, तो कन्फ्यूजन होता है कि ठीक नहीं है। इसलिए अभ्यास करते समय ये ध्यान देना चाहिए, जब शरीर तेजी से बदल रही हो, उस बदलाव को हम सह न पा रहे हो तो क्या करेंगे। तब ऐसी अवस्था में थोड़ा ध्यान की क्रिया कम कर दीजिए, बंद मत करिए कभी भी, थोड़ा घटा दीजिए फिर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए।